गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर द डोंकी एंड आई हैड अ लिटिल पोनी. फर्स्ट क्वेश्चन, अनदर वर्ड फॉर वैलप इज टू हिट हार्ड. वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी? नो, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी. हैव रेड द पोएम, यू हैव अंडरस्टूड इट. तो आपको पता है द चाइल्ड विल नॉट हिट द डोंकी, ही विल नॉट हिट इट हार्ड. ओके, नेक्स्ट, वॉट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी? द चाइल्ड वुड गिव सम हे एंड कॉर्न टू द डोंकी. सम ग्रास एंड सम कॉर्न. ओके, वॉट इज अ पोनी? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, बेबी डॉग, बेबी हॉर्स या बेबी कैट. आप इसकी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपकी बुक में है. एंड द आंसर इज पोनी इज अ बेबी हॉर्स. ओके, नेक्स्ट, वॉट डिड द लेडी डू टू द पोनी? शी टुक केयर ऑफ द पोनी, शी व्हिप्ड एंड लैश्ड हिम, शी सोल्ड द पोनी. द आंसर इज शी व्हिप्ड एंड लैश्ड हिम, उसने उसको बहुत मारा. What did the child decide to do? To lend the pony again to the lady, to never lend the pony to the lady again, to give the pony to the lady. And the answer is to never lend the pony to the lady again. There are some extra questions also. Have you seen people beating animals? आपने कभी किसी को देखा है बेटा जो animals को मार रहा हो? और आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के बारे में? तो येस, आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स. और मुझे लगता है वो बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है, बहुत विकेड है अगर वो एनिमल्स को मारते हैं. तो येस, आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स. आई थिंक दीज पीपल आर वेरी क्रूअल एंड विकेड. अगर आप लोगों का अपना ऑब्जर्वेशन, आपने कभी देखा ही नहीं है एनिमल्स को किसी को मारते हुए, तो आप नो लिख सकते हो, ठीक है? और आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन से आंसर को चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो. Do you ever tease animals? कभी आप animals को चिढ़ाते हो, उनको परेशान करते हो? Do you think that you should be kind to them? तो अगर आप करते हो तो आपको yes लिखना है, और नहीं करते हैं तो no लिखना है. आपको क्या लगता है, आपको उनके साथ kind होना चाहिए कि नहीं? ये भी एक sample answer है बेटा. आप इसमें अपने observation से और अपने तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है? No, I never tease animals. Yes, we should always be kind to them. हमें उनके साथ kind होना चाहिए. We should be kind and we should never tease them. Okay? Complete this work in your notebook.